हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी आज की रेसिपी मूंग से रिलेटेड है। तो ये देखिए, एक बोल मैंने मूंग भिगोए थे, 4-5 घंटे इसमें लगे हैं गर्म पानी डालने के बाद में। तो ये अच्छे से फूल गए हैं और 2 पीसेस होने लगे हैं, ऐसे हो गए हैं। इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने 2 ली है। मूंग काफ़ी कड़क होते हैं, तो उसको भिगोने के लिए आप गर्म पानी का यूज़ लीजिए, जल्दी भीग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओवरनाइट सोक नहीं करते हैं इन्हें। अब हम इसमें 1/2 बोल पानी डाल देंगे। इसी बोल से मैंने मूंग लिए थे, तो इस तरह की ये पेस्ट बन गई है। तो ये देखिए, एकदम भी पतली नहीं की है मैंने, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। 2 टीस्पून इसमें हम ऑयल डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाला है, थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाल दी है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। अब इसमें शक्कर डाल दिए मैंने 2 चम्मच, तो थोड़े खट्टे थोड़े मीठे बनाने हैं। एक ही आप देख सकते हैं, इतना बड़ा नींबू मैंने लिया है, इसका पूरा रस डाल दिया है, तो इसका टेस्ट खट्टा मीठा और तीखा होगा, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है। इसको हमें रेस्ट भी नहीं देना है, स्टीमर रेडी करेंगे, ट्रे को ग्रीस करेंगे, उसके बाद 1 टीस्पून इनो डालेंगे, ऊपर से थोड़ा पानी डाल के इस तरह से हम हिला देंगे अच्छे से। स्टीमर हमारा गर्म हो गया है और ये देखिए मिक्स भी हो गया है। ट्रे को रख देते हैं, ट्रे को आप अच्छे से ग्रीस करके फिर रखिए इसमें, और पानी नीचे से गर्म होना चाहिए। थोड़ी सी ऊपर से लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, 15-16 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर देते हैं। अब ये देखिए हो गए हैं, तो नीचे ले ठंडा करके इसे कट कर देंगे और उसके बाद में तड़का रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं। ऑयल में राई डाली है, हींग, करी लीव्स, हरी मिर्च और सफ़ेद तिल डाले हैं। उससे ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एट्रेक्टिव बने थे। हेल्दी तो ये है ही, मूंग आपको पसंद है तो आप इस तरह से एक बार बना के देखिए। आप खमन खा रहे हैं, आपको मूंग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट भी है ये।